और वहीं अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची स्मृति का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने गौरीगंज ब्लॉक की दरीपुर गांव में बने पहले नंदघर का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये नंदघर प्रदेश का 50वां और देश का 1000वां नंदघर बन गया है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमेठी में विकास के लिए ही बीजेपी के सांसद को लाया गया है। स्मृति ईरानी यहाँ कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। केशव जी के सुमंत्रों से, मोदी सिंह जी के आशीर्वाद से आज 7 लाख रुपए प्रति वेलनेस सेंटर की लागत से 9 वेलनेस सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। लेकिन अब बहने हैं 9 वेलनेस सेंटर से नहीं मानेगी, इसलिए आज शिलान्यास होगा 72 ऐसे वेलनेस सेंटर का पूरी अमेठी क्षेत्र के लिए और प्रत्येक वेलनेस सेंटर के लिए 7 लाख रुपए का आयोजन सरकार द्वारा किया गया है। 130 विद्यालयों को गत 1 महीने में पूरा कायाकल्प करके नया बनाने का काम डीएम साहब आपकी और आपकी पूरी टीम ने किया। गौ संरक्षण की दृष्टि से भी आज लोकार्पण होगा। पंचायत रिसोर्स सेंटर, विशेष सरकार की ओर से जो जो पहल, जो जो बजट दिया जाता है उसे धरातल तक पंचायत के हमारे प्रतिनिधि कैसे पहुंचा सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था यहां पर आज इसको जनता को समर्पित की जाएगी। इसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं। सर सामने देखे बोलिएगा जी। जम्मू कश्मीर में कैंसर की बीमारी की तरह धारा 370 और 35 ए के कारण आतंकवाद बढ़ा, अलगाववाद बढ़ा, वहाँ से हमारे कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को निकालने का काम किया गया। आज वह बहुत स्मूथली, बहुत सही ढंग से उस समस्या के समाधान का संसद के दोनों सदनों ने, बहुत सारे सदस्यों ने दल से ऊपर उठ करके देश के हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के बढ़े हुए कदम को अपना समर्थन दिया, उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी की हम निंदा करते हैं।